मैडम भाई क्या कर रहे हो? बस हो गया, बस बस। सर इधर सर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सर, हाँ अच्छे लग रहे हो सर। सामने सामने सर, यहाँ पे लेफ्ट साइड आइए मैम, आइए चलो मैम। सर आपका सोलो 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 मार दो बैक ड्रॉप के साथ, दिख रहा है बहुत अच्छा, दिख रहा है ट्रेन, दिख रहा है सर, इधर सर, राइट सर, सर इधर यार, सर इधर सर, यहाँ पे सामने देखिए, चलो सुमित सर, मुकेश सर, मुकेश सर, मुकेश सर, मुकेश सर, सर सर सोलो जय सर, आप सुमित सर पहले नरेंद्र जी आते हैं, थैंक यू मैडम, यहाँ पे देखिए राइट सर मैम, यहाँ थैंक यू मैम, यहाँ पे फोटो फोटो मैम, मैं उधर सर के साथ मैडम रिया जी, एक शुरू कर दे पहले, आप उधर रुकिए, बहुत सर आपके पीछे इधर मैडम जी, बार बार सेट करो, हाँ कर रहा हूँ, बाइक करनी है, हाँ रिया जी मैडम जी इधर सामने देखिए, सेंटर 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 मैडम यहाँ पे राइट कर, मैडम जी इधर सामने मैम, मैं यहाँ पे, हाँ यही सही, यो 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 मैडम मैम यहाँ पे रिया मैम, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैम, आइए सर सर मैम, आजा आजा मैम, यहाँ लेफ्ट में देखिए सर, लेफ्ट मैम, भैया जी कुछ अलग करिए, तो ये जो फोटो एक ट्रेन वाला भी पोस्ट करनी है मैडम, एक ट्रेन वाला सर लेफ्ट में सर, बहुत अच्छा लेफ्ट इधर इधर सेंटर, ओ हो चलिए, हाँ बोले ना, हाय हाउ आर यू, बारह घंटे भी नहीं रह गए, बहुत एक्साइटेड है, बहुत नर्वस भी हैं जैसे आपको दिख रहा होगा, बस अब चल रहा है पिक्चर आपका, मेरी तो बहुत हालत ख़राब है, मैं सोया नहीं हूँ, मुझे बुखार हो गया था, बट आई एम रियली एक्साइटेड, आई वेटेड फॉर दिस डे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई एम एक्साइटेड फॉर पीपल टू वॉच द फिल्म एंड सी व्हाट हैपेंस आफ्टर, फैमिली भी आई है आपकी? जी मैंने वरुण को आज एक ही बात बोली कि भाई देखो इस अच्छी फिल्म हमेशा चलती है, तो टेंशन नहीं लेते, हमने अपना काम कर लिया है, रिपोर्ट कार्ड मिलेगा कल, अच्छा ही होगा। देखो फिलहाल तो राजकोट में हाउसफुल हो गया इतना मुझे पता है, अब बस बॉम्बे दिल्ली का देखना है। सर दिल्ली में तो मेरी फैमिली ने जितनी सीट्स बुक कर सकते कर ली हैं और वो मतलब दो तीन बार शो देखेंगे, अब बाकी देखेंगे, कल फ्राइडे मालूम चलेगा, आप लोग बताएंगे क्या रिस्पॉन्स था। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वॉच द मूवी गाइस। फोटो
यार रिया इज़ अ रियली 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 क्लोज फ्रेंड एंड मैं दंगल से पहले एक फिल्म उनके साथ कर रहा था जो रिलीज़ नहीं हुई सो आई हैव अ रियली लॉन्ग एसोसिएशन विद हर एंड आई एम टोटली श्योर दैट यू नो जलेबी इज़ गोना बी द फिल्म जो आपने अभी तक रिया की प्रॉमिसिंग साइड जी देखी है उसको डबल कर देगा ये आप जहाँ आते हैं मतलब उस इवेंट में उसमें जरूर कोई ना कोई बात होती है विशेष फिल्म होती है विशेष चीज़ होती है यार देखो जब भी आई थिंक इस कैंप ने फिल्म्स बनाई हैं बट कैंप ने फिल्म्स बनाई हैं तो हमेशा एक यू नो एक लॉयल ऑडियंस है एक एक्सपेक्टेशंस है एंड जो हमेशा वो जिस पे खड़े उतरे हैं आई एम टोटली श्योर दिस इज़ गोना बी इक्वली गुड एंड जलेबी जितनी मीठी जितना नाम है उतनी ही मीठी फिल्म होने वाली है उतना ही टेस्टफुल कंटेंट होने वाला है बधाई हो आपको भी बधाई हो फुल बधाई हो मतलब हर एक चीज़ की बधाई हो स्त्री की भी अंधाधुन की भी हर एक चीज़ की बधाई हो अच्छा मतलब
टच वुड गॉड हैज बीन काइंड. आई थिंक आयुष भाई ने स्पेशली अंधाधुन के लिए बहुत 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 मेहनत करी थी और आप ऑलरेडी फिल्म देख चुके हैं सबके सब, जिस तरह का रिस्पॉन्स पूरी फिल्म इंडस्ट्री से आया है आई थिंक ये बनता था बिकॉज जिस तरह की मेहनत उस ऐसी फिल्म बनाने में जाती है वो आई थिंक तभी ऐसी फिल्म हर साल नहीं आती है, दो तीन साल बाद ऐसी फिल्म आती हैं. एंड टॉकिंग अबाउट बधाई हो, कभी भी किसी ट्रेलर को हमने इतना ऐसे वायरल होते हुए नहीं देखा है. एंड रियल लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज एंड आई एम टोटली श्योर दिस इज गोना बी वन क्रैकर ऑफ अ राइड. अरे यार नहीं नहीं यार, आई एम अ क्रैक व्हाट. नहीं नहीं यार, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई खाने वाली बात नहीं. राधा मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता हूँ. आई थिंक जब भी कोई इंसान इस मेंटालिटी से आता है कि मैं खा जाऊँगा, वहाँ पे कभी भी टीम वर्क नहीं हो पाता है, वहाँ पे कभी भी फिल्म अच्छी नहीं बन पाती है. और चाहे लोग आपकी परफॉर्मेंस की बात कर लें, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग फिल्म की बात करें. एंड मैं हमेशा ही ऑलवेज बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं हरियाणा की क्रिकेट टीम का कैप्टन था, तो मैं एक बहुत ही टीम स्पिरिट और बहुत ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ कोई भी काम हो करता हूँ. सो आई थिंक दैट्स वन द मेन रीज़न कि जितनी मैं फिल्में अभी तक आपने देखा है, टच वुड मोर ऑफन देन नॉट देयर वर्क. अरे आपकी ऐसी बातें करने में हमारे कहा, आपकी आपकी प्रतिभा है तो हमारी क्या प्रतिभा है. आपके सवाल अच्छे हैं इसलिए जवाब अच्छे आ रहे हैं, अदरवाइज ठीक है बंदा ये. ओ यस ओ यस यार, देखो ऐसा है, वैसे तो दुख भरी बात ये है कि हमें एक मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ रहा है इस इन चीज़ों को सामने लेके आने के लिए. और एक अजीब विडम्बना ये भी है कि ये जो सब सोशल मीडिया पर चल रहा है वो बहुत कम पॉपुलेशन है देश की, जो सब बाहर निकल कर आ रहे हैं और बोल रहे हैं. यू नो अधिकतम पॉपुलेशन जो है वो अभी भी सोशल मीडिया पर नहीं है, और उनके साथ भी काफ़ी कुछ हो रहा होगा, उनके बारे वो केसेस अभी भी नहीं यू नो सामने आ रहे हैं. सो वी रियली नीड टू हैव यू नो पीपल द मासेस हु कम आउट एंड टॉक अबाउट इट. एंड आई होप एट द सेम टाइम यार, जो लोग आके बोल रहे हैं इस समय, आई होप ये सारी ट्रू स्टोरीज़ हैं. कई बार लोग इन चीज़ों का गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं. सो आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. एंड चलिए, चाहे इस इन सब चीज़ों को बाहर लेके आने के लिए चाहे एक मूवमेंट की ज़रूरत थी, एक कैंपेन की ज़रूरत थी, चलिए बाहर तो आ रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल यार, बहुत कम पॉपुलेशन है पूरे देश की जो सोशल मीडिया पे हो. जो असली मासेस हैं वो नहीं है सोशल मीडिया पे. आई थिंक उनकी स्टोरीज ऐसे दबी की दबी नहीं रह जाएं, जल्दी जल्दी बाहर आएँ सारी की सारी बातें. आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. लास्ट बताइए.